हेलो दोस्तों, मैं करण, स्वागत है आपका द गैरेज ऑफिशियल में। मेरे सामने एक ऐसा प्रोडक्ट खड़ा है जो कि बहुत अंडररेटेड प्रोडक्ट रह चुका है ये सेगमेंट में, बट इन रियल लाइफ ये प्रोडक्ट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी अच्छा है। मेरे सामने अभी हाल ही में लॉन्च हुई फोर्ड फिगो ऑटोमेटिक है। मेरे सामने जो वेरिएंट खड़ा है वो टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है दोस्तों, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है। ऑटोमेटिक में आपको सिर्फ दो ही वेरिएंट ऑफर कर रही है फिलहाल फोर्ड, वो है टाइटेनियम और ये टाइटेनियम प्लस। तो मेरे सामने जो खड़ा है वो टाइटेनियम प्लस है। तो आपको मैं पूरा ओवरलुक दे देता हूँ गाड़ी का। मैं स्टार्ट करूँगा इसके फ्रंट ग्रिल से। ये ग्रिल मुझे एस्टन मार्टिन की याद दिलाती है दोस्तों, एस्टन मार्टिन इंस्पायर्ड ग्रिल में इसे कह सकता हूँ। एंड ये काफ़ी अच्छी दिखती है, काफ़ी बोल्ड है, सिंपल एंड बोल्ड दोनों का ये मिक्सचर है, तो दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड सेगमेंट में थोड़ा सा एक यूनिक लुक ये गाड़ी को दे देती है। यहाँ पे अगर आप हेडलैम्प देखेंगे तो सिर्फ आपको हैलोजन यूनिट ही मिलते हैं, कोई भी वेरिएंट में प्रोजेक्टर्स या एलईडी यूनिट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा फोर्ड ने कॉस्ट कटिंग किया है, हम ऐसा कह सकते हैं। नीचे आपको एक क्रोम का एलिमेंट मिलता है जो सी शेप में है, एंड इसके अंदर आपको फॉग लैम्प मिल जाता है। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है एलिमेंट, थोड़ा सा एक शार्प एलिमेंट है, तो ये विजुअल बल्ब को भी कम कर देता है, बिकॉज इसके बम्पर्स थोड़े ब्रॉड है तो विजुअल बल्ब को कम कर देता है। अभी मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ इसका व्हील जो है, इसमें आपको 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको 195/55 के टायर्स, 15 इंच की आपको रिम मिल जाती है। एंड ये अभी जो मेरे सामने है ये डायमंड कट एलॉय व्हील है। दिखने में एलॉय व्हील थोड़ा सा आफ्टर मार्केट डिज़ाइन का टाइप लगता है, बट दिखने में अच्छा है, गाड़ी के ओवरऑल लुक्स को ये अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे पैनल कैप्स की बात करूँ तो ये कोई यूरोपियन गाड़ी का फिट फिनिश जितनी अच्छी नहीं है, बट आज के अगर ये सेगमेंट में मैं कोई भी गाड़ी कंसीडर करूँ तो उसके हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। पैनल गैप्स इतने भी ख़राब नहीं है। यहाँ पे एक फेक सा एयरवेंट जैसा डिज़ाइन लगता है, शायद वो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट में इंडिकेटर आते हैं उसकी जगह पे यहाँ पे इन्होंने ऐसा ये लगाया हुआ है। ये अगर मैं मिरर की बात करूँ तो आपको बॉडी कलर्ड मिरर मिल जाते हैं, उस पर इंडिकेटर मिल जाते हैं, हाँ, बट ये एलईडी यूनिट नहीं है। यहाँ पे भी आपको हैलोजन यूनिट ही मिलते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग ज़रूर की है फोर्ड ने। एंड मिरर की ओवरऑल साइज़ मुझे छोटी लगती है, विजिबिलिटी वाइज भी ये इतने खास नहीं है अगर मैं सेगमेंट में और गाड़ियों से कंपेयर करता हूँ तो। आपको शायद कोई आफ्टर मार्केट ब्लाइंड स्पॉट मिरर वगैरह इसमें लगाना पड़ सकता है अगर आपको वाइड विजिबिलिटी चाहिए। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी कुछ इस तरह दिखती है दोस्तों। साइड प्रोफाइल में बहुत पहले जैसा ही शेप है, जो 2015 में लॉन्च हुआ था वही शेप कंटिन्यू किया गया है, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है अदर देन दी एलॉय व्हील। अभी मैं आपको ये रिमोट दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए, इस पर 3 बटन मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक, और ये अगर ये नीचे वाला बटन आप 2 बार प्रेस करेंगे तो बूट ओपन हो जाता है। तो मैं अब गाड़ी अनलॉक कर रहा हूँ। अनलॉक करने के बाद मैं अगर अंदर की बात करूँ तो आपको पूरी ब्लैक अपोल्स्ट्री मिलती है दोस्तों। यहाँ पे ड्यूअल टोन का यूजेज नहीं किया गया है, ब्लैक कलर ही यूज़ किया गया है। तो अभी आपको मैं डोर खोल के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो डोर काफ़ी वाइड ओपन हो रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी वाइड है, तो आराम से अगर आपको अंदर बाहर करना है तो कर सकते हो। पीछे का डोर भी है, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ कितना वाइड ओपन होता है। पीछे का डोर 90 डिग्री तो नहीं हो रहा है बट वाइड ओपनिंग है। नीचे भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा ओपनिंग है। तो अगर आपको पैर, अगर आपके कोई कोई हैचबैक्स में इतना कंफर्ट नहीं होता है, थोड़े से स्टेप अप करके डालना पड़ता है, तो वहाँ पे कंफर्ट है। आपको ये बैठ के भी दिखा देंगे हम। देखिए, आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। स्पेस भी, नी रूम भी अच्छा खासा है। ऋषभ की हाइट लगभग 5'7" है। हेड स्पेस भी डिसेंट इनफ है। थाई सपोर्ट भी डिसेंट है उसके हाइट के हिसाब से, लेकिन अगर आप थोड़े से टॉल हो तो आपको थोड़ी बहुत थाई सपोर्ट में कमी फील हो सकती है। पीछे और एक चीज़ मैं नोटिस कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, कोई भी यहाँ पे एसी वेंट नहीं है। दूसरी सबसे बड़ा एक मेरे को चीज़ लग रहा है, यहाँ पे पीछे आपको डोर पॉकेट्स नहीं मिलते, तो अगर आपको कुछ बॉटल वगैरह रखनी है तो यहाँ पे सेंटर में एक ही बॉटल होल्डर दिया गया है, वहाँ पे आप रख सकते हैं। बट ठीक है, इतना कोई मेजर डील ब्रेकिंग पॉइंट तो नहीं है ये। यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल दिया गया है। अगर मैं आगे के डोर की बात करूँ तो आगे का डोर में आपको ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। जो ड्राइवर साइड विंडो है वो वन टच रोल अप रोल डाउन है। यहाँ पे आपको मिरर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये ऑटो फोल्डिंग मिरर से, देखिए अभी ये फोल्ड हो रहे हैं, ये आप यहाँ पे से ही कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट से नहीं होते ये। यहाँ पे आपको डोर पॉकेट्स में 2 बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, तो आप आपका सामान आराम से स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फॉग लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप आपके बूट अंदर से अनलॉक कर सकते हैं। ये इसका 3 स्पोक स्टेयरिंग वेले में एक बार अंदर बैठ के आपको पूरा क्लियर दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है,
बहुत ही बेसिक सा है, ज़्यादा फंकीनेस नहीं है, बेसिक है बट काफ़ी इजी है रीड करने में। यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, ये साइड में आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये साइड में आपको इंडिकेटर एंड इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं ट्रिप रीसेट के। यहाँ पे टाइटेनियम प्लस में दोस्तों एंड टाइटेनियम में भी आपको एक टच स्क्रीन यूनिट मिल जाती है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी यूनिट है। यहाँ पे दोनों डोर खुले हैं, वो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले अभी भी नहीं आता है दोस्तों, तो वहाँ पे थोड़ी सी ये लूज आउट कर जाती है, शायद कंपनी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले देके। अगर मैं नीचे बात करूँ तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये वेरिएंट में ऑटोमेटिक आता है, जो टाइटेनियम है उसमें मैनुअल एसी आपको मिलेगा। यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखने के लिए थोड़ी सी स्पेस है, ये अपना गियर लीवर है, ऑटोमेटिक गाड़ी है दोस्तों, टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है, तो ये पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव स्पोर्ट आपको मोड मिल जाते हैं इसमें। ये 6-speed यूनिट है, मैं आगे चल के इसकी ड्राइव रिव्यू जरूर दूंगा। अभी आपको मैं रिवर्स कैमरा दिखा देता हूँ इसका। रिवर्स कैमरा की क्लैरिटी मुझे अच्छी लगी, इसमें डायनामिक गाइडलाइंस आपको नहीं मिलते, फिक्स्ड गाइडलाइंस है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्किंग सेंसर्स के भी इसमें वार्निंग आ जाती है आपको, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मिरर जो है वो ऑटो डिमिंग मिल जाता है आपको, तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी कि फोर्ड ने यहाँ पे कुछ कॉस्ट कटिंग नहीं किया है। यहाँ पे एक नॉर्मल सा हेलोजन लैम्प मिल जाता है, लेफ्ट साइड का जो सनवाइजर है उसमें आपको मिरर आ जाता है। ड्राइवर का जो वाइजर है उसमें आपको मिरर नहीं आता, बट एक टिकट होल्डर है, आप आपके पेपर्स वगैरह कुछ वहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ नीचे के साइड में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल रहा है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये सेगमेंट में ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल रहा है विद कंट्रोल टू स्विच इट ऑन ऑफ, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि हमेशा ऑन रखिए, इनकेस अगर आपके गाड़ी का कभी पानी में स्कीड वगैरह हो जाती है तो कंट्रोल में रहती है गाड़ी। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं दो, एक छोटा कप होल्डर भी मिल जाता है, यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं, या अगर आप कहीं पे मैकडॉनल्ड्स में वगैरह गए तो वहाँ पे आप आपके कॉफ़ी एंड सॉफ्ट ड्रिंक स्टोर कर सकते हैं। सीट की साइड बोर्ड स्ट्रिंग में अगर बैठा हूँ तो मैं थोड़ा सा हेल्दी साइड में हूँ दोस्तों, तो मुझे थोड़ी सी सीट नैरो लगती है, बट ऋषभ जैसा अगर कोई बैठ रहा है तो उसके लिए कंफर्ट कैसे, आप बताइए ऋषभ कैसा कंफर्ट है? फॉर मी दिस सीट्स आर वेरी मच कंफर्टेबल, बट यहाँ पे थाई सपोर्ट मुझे कम लग रहा है, इवन माय हाइट इज 5'6", आई वुड से अगर मेरे से अगर कोई टॉल बंदा बैठेगा तो बट श्योर उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, बिकॉज सीट्स उतने वाइड नहीं है, थोड़े छोटे सीट्स हैं। लाइक अगर करण यहाँ पे बैठेगा, लेट्स सी, आप देख सकते हैं मेरे को थाई सपोर्ट इतना खास नहीं है, डिसेंट इनफ है अगर आप एक एवरेज इंडियन हाइटेड हो, बट ओवरऑल सीट की कंफर्ट अगर मैं बात करूँ तो सीट थोड़ी सी नैरोअर साइड में है, अगर आप सेगमेंट में स्विफ्ट में बैठे हो या सेगमेंट की टियागो जैसे गाड़ी में बैठे हो तो वहाँ पे आपको सीट काफ़ी जनरस मिलती है, काफ़ी अच्छी मिलती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज मुझे लग रहा है कम्फर्ट में। हेल्दी हो गए तो ओवर द लॉन्ग जर्नीज आपको थोड़ा सा डिसकम्फर्ट फील होगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे स्टेयरिंग का माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आप आपका पूरा ऑडियो सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। ये साइड पूरा ब्लैंक है, यहाँ पे हॉर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, फोर्ड ने कोई भी सेफ्टी वाइज में कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं की है, आपको फ्रंट में 2 एयरबैग मिल जाते हैं, साइड में एक कर्टन एयरबैग भी मिल जाता है। ओवरऑल ये गाड़ी में आपको दोस्तों 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, जो कि सेफ्टी के हिसाब से आज के तारीख में बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पैसेंजर साइड में भी एयरबैग मिल रहा है। ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का है, बट आई कैन सी यहाँ पे कोई कोल्ड ग्लव बॉक्स इन्होंने नहीं दिया है, डीप है ग्लव बॉक्स, काफी ठीक ठाक है। मुझे ओवरऑल अगर इंटीरियर की बिल्ट एंड फिट एंड फिनिश की क्वालिटी अगर मैं बताऊँ तो बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, डिसेंट इनफ है। आप देख सकते हैं ये पैनल देख रहे हैं आप, तो थोड़ा सा मूवमेंट्स है इसमें, तो ये ओवर द टाइम थोड़ा बहुत रफ रोड्स पे आवाज कर सकता है, बाकी ओके है, डिसेंट सी बिल्ड क्वालिटी है। सेगमेंट में दूसरी जो गाड़ियाँ आती है, जैसे अगर मैं फोक्सवैगन की पोलो कंपेयर करूँ इसके साथ, जो कि एक डायरेक्ट कंपटीटर है, उसकी बिल्ड क्वालिटी आपको इससे काफ़ी बेहतरीन मिलेगी, वो एक हमेशा से चीज़ है, वहाँ पे सिर्फ आपको स्पेस की प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो गियर लीवर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस का बटन दिया गया है, तो आप ये टिप्ट्रॉनिक फंक्शन जो है तो आप इसमें गियर मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्विक ओवरटेक्स करने हैं या आपको थोड़ा सा एंथुजियास्टिकली चलाना है तो आप ये बटन्स का यूज़ करके गियर का मैनुअल कंट्रोल ले सकते हो, जो कि एक अच्छा फीचर है एंड काफ़ी यूनिक है। बहुत सारे गाड़ियों में टिप्ट्रॉनिक लीवर को ही रहता है, बट बटन जो है ये काफ़ी टैक्टाइल भी है, तो इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो आपको गियर बदलने में मज़ा भी काफ़ी आ जाएगा। ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है दोस्तों, मैं बहुत जल्द इसके लिए एक ड्राइव रिव्यू भी बनाने की कोशिश करूंगा। अभी बात करते हैं इसके इंजन के बारे में।
इसमें इंजन आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि थ्री सिलेंडर इंजन है दोस्तों, लगभग 96 पीएस की पावर निकालता है एंड 119 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप करता है। डिसेंट सा फिगर है बट ये जो इंजन है काफ़ी टाइम से मार्केट में है, काफ़ी सक्सेसफुल है एंड वन ऑफ दी रिफाइंड इंजन में गिना जाता है। थ्री सिलेंडर होने के बाद भी आपको गाड़ी में बैठ के लगेगा नहीं कि ये थ्री सिलेंडर है। अभी इसकी डिक्की आपको खोलने के लिए बता देता हूँ, तो ये जो टू लिखा हुआ बटन है 2x, तो ये अगर आप दो बार क्लिक करेंगे तो इसकी डिक्की अनलॉक हो जाती है। आपने देखा इंडिकेटर भी ब्लिंक हो गए। इसकी बूट स्पेस की बात करूँ मैं तो 250 लीटर का बूट स्पेस है, काफ़ी डिसेंट है आपके। अगर आप छोटी सी ट्रिप जा रहे हो, एक दो दिन के ट्रिप के, आपका सामान आराम से रह जाएगा। लोडिंग लिप थोड़ी सी हाई, आप देखोगे काफ़ी हाई लोडिंग लिप है, तो अगर आपने कुछ हेवी चीज़ रखी है तो उठा के निकालने में आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। मैं आपको इसका स्पेयर व्हील भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है दोस्तों वो एक साइज छोटा है, 14 इंच की रिम मिलती है एंड आप देख सकते हो उसमें लिखा है कि मैक्स 80 के स्पीड तक चला सकते हो। बिकॉज ये छोटी साइज का टायर है तो आपको थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अगर आप ये टायर लगा रहे हो। पीछे से अगर मैं ओवरऑल लुक की बात करूँ तो पीछे आपको डिफॉगर्स मिल रहे हैं, अच्छी चीज़ है। वाइपर मिल रहा है, यहाँ पे आपको फोर्ड की एक बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे फिगो की बैजिंग है और यहाँ पे टाइटेनियम है, टाइटेनियम की बैजिंग मिल जाती है। पीछे से बम्पर्स में ये थोड़ा सा एक ब्लैक जो कॉम्बिनेशन दिया है ब्लैक एंड ये ड्यूअल टोन का, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अभी इसमें एक फीचर है, गाड़ी को आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे साथ है सादिक जी है जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें जो गाड़ी में जो ऐप आता है जो कनेक्टेड कार टेक इसमें आता है वो कैसे ऑपरेट करते हैं, तो आप बता सकते हैं आप कैसे ऑपरेट करते हैं इसे। अब इसमें सबसे फर्स्ट चीज़ इसमें दी कनेक्टेड व्हीकल, ठीक है, ये सेगमेंट में काफ़ी अच्छी फीचर्स आपको प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर। इस एप्लीकेशन का नाम है फोर्ड पास, ओके, ये ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के लिए यूज होता है और इसके सभी वेरियंट्स में आते हैं फोर्ड के, बेसिक मॉडल से लेकर टॉप एंड मॉडल सब में आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब इस मॉडल के अंदर जैसे कि अगर आपने ऑटोमेटिक व्हीकल परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ एडवांस फीचर्स मिलते हैं कंपैरिजन से टाइटन अपना मैनुअल ट्रांसमिशन कंपैरिजन में, और फिर मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से फंक्शन करता है। यहाँ पे इसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है फोर्ड पास, ये एप्लीकेशन का आइकॉन इस तरीके से होगा। आपको इसको लॉन्च करने के बाद में आपकी एडेड हुई व्हीकल इसमें आपको शो करेगी। अगर आपके पास ऑटोमेटिक व्हीकल है तो इसमें तीन ऑप्शन आपको शो किए जाते हैं, एक व्हीकल को लॉक करना, व्हीकल स्टार्ट करना और ये अनलॉक करना। स्टार्ट करने का ऑप्शन इसके लिए दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है ग्लोबली फंक्शन करती है, आप एक जगह पे कितने भी किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्यों ना हो ये सारी चीज़ें आप फंक्शन कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट करने का ऑप्शन इसके लिए दिया गया है कभी आप आउट ऑफ स्टेट जाते हो अपनी व्हीकल घर पे छोड़कर, तो उस कंडीशन में क्या कि व्हीकल के इंजन अगर आपको तकरीबन 3 से 4 दिन या ज़्यादा दिन तक आप यूज़ ना करें तो बैटरी डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से व्हीकल इंजन स्टार्ट करने पे ये तकरीबन 3 मिनट्स के तक ऑटोमेटिक ये शट डाउन भी हो जाता है इंजन, 3 मिनट तक आपकी बैटरी को वार्म अप करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और व्हीकल को आप लॉक ग्लोबली लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें काफ़ी फीचर्स आपको दिए गए हैं, जैसे नीचे आप देख सकते हैं आइकॉन्स में होम स्क्रीन है, व्हीकल है, मैप है और अकाउंट सेटिंग है। फिर हम व्हीकल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको गाड़ी की काफ़ी डिटेल्स मिल जाती हैं, जैसे आपकी गाड़ी का ओडोमीटर, उसमें काफ़ी चीज़ें इसमें सिमिलर हैं, जैसे कि इसमें आपका गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी कितना बचा है, 47 किलोमीटर ये और रन करेगी इतने से फ्यूल में, ये आपका फ्यूल गेज यहाँ पे शो कर रहा है। और व्हीकल आपके ओडोमीटर में कितना चल चुकी है वो यहाँ पे आपको शो करेगा, 10,534 किलोमीटर ये चल चुकी है। ये मेरे पास ऑलरेडी एक डेमो व्हीकल जो है इसमें एडेड की गई है वो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। जस्ट उसके ऊपर आप चेक करते हैं, यहाँ पे गोड़बंदर रोड का एड्रेस दिया है, यानी ये व्हीकल वहाँ पे एट अ टाइम ऑफ प्रेजेंस लोकेटेड है, वहाँ पे खड़ी है ये व्हीकल। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं नंबर पे तो आपको लोकेशन आपको उसमें शो करता है, जैसे ये मेरा लोकेशन है, हम कल्याणशील रोड पर हैं इस वक्त और मेरी व्हीकल का लोकेशन यहाँ पे आपको शो करेगा, ये मेरी व्हीकल का लोकेशन है तो यहाँ पे आपको शो करता है। अगर व्हीकल मूविंग में रहेगी तो ये आइकॉन आपका बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता रहेगा, तो एटलीस्ट आप देख चेक कर सकते हैं कि व्हीकल किस रूट पर ड्राइव हो रही है और ये ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी इसको ट्रेस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि व्हीकल का इंजन बंद होने के बाद भी इसकी लाइव लोकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, तो यहाँ पर आपकी व्हीकल थेफ्ट होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक आप दो चीज़ें यहाँ पे व्हीकल सर्विस देख रहे हैं, उसके बाद में सारे हैं सर्विस सपोर्ट। इसमें क्लिक करने के बाद में जैसे आपका ऑडोमीटर आपने बताया मैंने आपको 10,534 चल चुकी है, उसके नीचे एक लाइन दिख रही है आपको, ये आपका सर्विस शेड्यूल दिया हुआ है, जैसे 10,000 किलोमीटर पर सर्विसिंग थी, अब अगली सर्विस आपकी 20,000 पे होगी। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको शो करते हैं यहाँ सारी चीज़ें कि क्या सर्विस शेड्यूल पर आपका सर्विसिंग होने वाला है, सर्विस ड्यू आपको कितने किलोमीटर पर आएगा। अब हमने 20,000 की सर्विस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको इसकी भी लिस्ट मिल जाती है कि कौन से किलोमीटर पे क्या क्या चीज़ें रिप्लेस करनी है, क्या क्लीन करनी है और किन चीज़ों का सिर्फ इंस्पेक्शन करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप सर्विस सेंटर में व्हीकल तो दे देते हैं लेकिन जो चीज़ें खाली इंस्पेक्शन या क्लीन करने वाली होती हैं सर्विस एडवाइजर उस चीज़ को भी रिप्लेस कर देता है, जिससे आपका सर्विस कॉस्ट बढ़ जाता है।
तो इस चीज़ को आपको एक्नॉलेज करने के लिए फोर्ड ने फोर्ड पास के अंदर सारी चीज़ें दे दी हैं ताकि एटलीस्ट आपके पास आपको कोई भी सर्विस एडवाइजर क्रॉस ना कर सके और ज़्यादा बड़ा अमाउंट का बिल आपको पे ना करना पड़े। तो यहाँ पे आपको अलर्ट करने के लिए सारी चीज़ें दी गई हुई है। प्लस यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइंड अ डीलर। इसका ऑप्शन ये है कि एटलीस्ट जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपकी व्हीकल है नियर बाय, आपको जहाँ भी हमारे ऑथराइज डीलरशिप है सर्विस के लिए, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आपको या डिटेल्स आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। आप इन पर कॉल करके जा सकते हैं, डायरेक्ट अपना अपॉइंटमेंट यहीं से आप बुक कर सकते हैं कॉल पर ही। आपको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेबसाइट पर आपको नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको उसमें मैप में शो करूँ तो यहाँ पे दो आइकॉन्स आ रहे हैं, एक तो डीलर्स, सेकंड फ्यूल। डीलर्स का फंक्शन सेम उसी तरीके से कि आपको नियर बाय कहाँ ऑथराइज डीलर है जहाँ पे आप सर्विस शेड्यूल कर सकते हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूल दिया है। फ्यूल देने का रीज़न ये है कि अभी आप आउटसोर्स ट्रिप प्लान करते हैं तो वो टाइम पे एटलीस्ट आपके फ्यूल में कभी फ्यूल कम होता है तो आपके माइंडसेट होता है चलो आगे वाले फ्यूल पंप से हम भर लेंगे। लेकिन अगर अब आपने वहाँ पे मिस कर दिया तो आप चेक कर सकते हैं नियर बाय फ्यूल पंप कहाँ पर है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे देने का रीज़न ये है कि आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं पेट्रोल पंप पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, फ्यूल अवेलेबल है या नहीं है, आपको वहाँ तक जाने की जरूरत ना पड़े। और वहाँ का डायरेक्शन भी दिया हुआ कि आप डायरेक्ट उनको ड्राइव करके जा सकते हैं गूगल मैप के थ्रू या फिर आप जिस तरीके से वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं इस तरीके से। तो ये काफ़ी यूजफुल है जो कि ये सेगमेंट में खाली फोर्ड आपको एक हैचबैक सेगमेंट में खाली फोर्ड इंडिया आपको प्रोवाइड कर रही है। आफ्टर मार्केट में सारी कनेक्टिव फीचर्स आपको काफ़ी कॉस्ट वाइज पे करने पड़ते कहीं कहीं पे और कहीं कहीं सिर्फ टॉप एंड मॉडल में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। Exactly. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सभी मॉडल्स में मिल जाती है। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो कनेक्टेड कार फीचर आप दे रहे हो, जो ऐप दे रहे हो, इसका कुछ ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्जेस है या ये फ्री है लाइफ टाइम के लिए? आपको 2 इयर्स के लिए कम्प्लीटली फ्री है। तो आप अभी मुझे बता सकते हैं कि ये जो वेरिएंट है टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस, इसकी ऑटोमेटिक में अभी क्या प्राइस है? एंड अगर कुछ कंपनियां भी मतलब फोर्ड अभी कुछ स्कीम्स दे रही है या सिर्फ अभी भी मतलब सिर्फ एक शोरूम वैल्यू पे जो टैक्स लगता है वो लगने वाला है एंड कुछ भी ऑफर्स नहीं चल रहे गाड़ी पे? व्हीकल्स पे सर फिलहाल न्यू लॉन्च व्हीकल है तो इसके ऊपर फिलहाल कोई ऑफर्स नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ आपके कॉर्पोरेट डिस्काउंट अनाउंस किया गया है, जैसे कि आप कंपनी लिस्टेड है फोर्ड इंडिया के साथ तो वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। उसके अलावा फिर इस व्हीकल के अंदर दो मॉडल में इसको लॉन्च किया गया है ऑटोमेटिक को, एक है टाइटेनियम, सेकेंड टाइटेनियम प्लस। अब टाइटेनियम मॉडल की कुछ फीचर्स मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। टाइटेनियम मॉडल में जैसे कि आपको ऑल फोर पावर विंडोज म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है आपको, लेकिन वो टच स्क्रीन मिलेगा वहाँ पे आपको। इससे पहले जो मैनुअल ट्रांसमिशन में सेम वेरिएंट में आता था वो मैनुअल, उसके अंदर टच स्क्रीन सिस्टम नहीं था। तो अब टाइटेनियम के ऑटोमेटिक मॉडल में आपको टच स्क्रीन सिस्टम एक एड ऑन कर दिया गया है, प्लस इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड सेंसर दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी। ये दो चीज़ें उसमें ऐड ऑन की गई है एज कंपेरिजन मैनुअल ट्रांसमिशन के, जिसकी ऑन रोड कॉस्टिंग आपको आती है तकरीबन 931,000 ऑन रोड। और एक शोरूम क्या है इसकी? इस व्हीकल का एक शोरूम कॉस्ट होता है तकरीबन 775,000 एक शोरूम कॉस्ट है, जिसके अंदर आपका 0 DAP इंश्योरेंस का अमाउंट है और प्लस यहाँ पे 3 साल का थर्ड पार्टी प्लस कॉम्प्रेंस इंश्योरेंस है। ओके। प्लस जैसे कि मैनुफेक्चरिंग वारंटी बाय डिफॉल्ट 3 इयर्स की है, यहाँ पे आपको 4 एंड 5th ईयर की वारंटी एडेड दी हुई अमाउंट में जो कि आपकी डील अमाउंट के अंदर एडेड है। ओके। जिससे आपको 5 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी क्लेम की जाएगी और आपको 931,000 फाइनल ऑन रोड कॉस्ट मिलता है। ओके। सेम इसी तरीके से टाइटेनियम प्लस मॉडल है, हालांकि इन दोनों के बीच के अंदर 50,000 का डिफरेंस है। 50,000 के अंदर आप इसमें कुछ फीचर्स आप एड ऑन कवर कर सकते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग आपको एडिशनल मिल जाएगा। सेकंड चीज इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प आ जाएंगे, रेन सेंसिंग वाइपर आ जाएगा, ऑटो क्लाइमेट एसी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इसमें एड ऑन मिल जाती है 50,000 में, जो कि आप मार्केट की आफ्टर मार्केट भी आने जाए तो ये तकरीबन 1 लाख से ज्यादा खर्चा आपका हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स आपको एकदम वैल्यूएबल पैक में मिल जाते हैं, जो कि टाइटेनियम प्लस मॉडल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी मिल सकता है। अगर आपके पास बजट का इश्यूज है, आप ऑटोमेटिक का एंजॉय करना चाहते हैं तो आप टाइटेनियम मॉडल डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसके अंदर आपके सारे नीडी फीचर्स अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा बजट एक्सटेंड करोगे तो टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं तो सेफ्टी में ये अच्छे हो जाती है। छोटे मोटे कन्वीनियंस फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे ऑटोमेटिक एसी हो गया, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हो गया। ऑटोमेटिक एसी एक अच्छा फीचर है दोस्तों, अगर आप कोई काफ़ी मतलब मैनुअल एसी में अगर बहुत चिल्ड होता है तो एसी बंद करना पड़ता है, बट ऑटोमेटिक में आप आपका एक सेट टेम्परेचर पे रख सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज दोनों में ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस लगभग 50,000 ही आ रहा है, तो वो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो और 50,000 अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलेगा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप ये गाड़ी कंसिडर करेंगे पेट्रोल ऑटोमेटिक में इन टर्म्स ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स, स्विफ्ट हो गई, पोलो हो गई, टियागो हो गई, अल्ट्रोज हो गई, तो आप ये गाड़ी कंसिडर करेंगे क्या? पर्सनली अगर मैं ये सेगमेंट में बात करूँ तो इसकी राइड एंड हैंडलिंग की बैलेंस काफ़ी अच्छी है। आफ्टर पोलो यही एक गाड़ी है सेगमेंट में जो कि बिल्ड क्वालिटी में भी अच्छी है एंड चलाने में भी अच्छी है, तो ये गाड़ी ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हैं। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसे लगी,
आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो हम हमेशा जैसे आपको कहते हैं आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या हमारे जो मेल आईडीज है वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए गाड़ी आपको कैसे लग रही है। मैं खड़ा हूँ डोंबिवली में सत्यम फोर्ड में। आप मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ दूंगा, आप यहाँ पे आके आपकी पसंदीदा फोर्ड की गाड़ी ले सकते हो, फिगो हो गई, इको स्पोर्ट हो गई, जो भी आपको फोर्ड की गाड़ी आप यहाँ पे आके ले सकते हो, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल छोड़ दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो हम एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली ऐसी ही खास वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ़।